विद्यार्थियों क्या परेशान है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करते समय आपको परेशानी हो रही है? आपने अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, अगर 12th के विद्यार्थी हैं, तो चिंता मत कीजिए। एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कैसे करें और उसमें अगर त्रुटि है तो उसको सुधारे कैसे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें और उसको सॉल्यूशन कैसे करेगा गलत है तब। तो देखो, अगर आपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त किया है, चाहे वो ऑनलाइन या विद्यालय जाकर, अगर आपको त्रुटि है उसमें, नाम में, पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आप विद्यालय में जाकर अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर के साथ मिलकर और आप अपना एप्लीकेशन उन्हें दे सकते हैं उसे सुधारने के लिए। लेकिन आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपका गलत है या सही है? तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर आप घर बैठे हैं तो घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे ही ब्राउजर ओपन कीजिएगा, जैसे ही गूगल आपका ओपन होगा, आपको एक वेबसाइट जो है, एक लिंक जो है, इसमें डालना पड़ेगा ssonlinebiharboardonline.com। ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा जिसपे बीएससी भी लिखा होगा, आप इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक हो गया, अब क्या करना होगा कि यहां आपके सामने अब आएगा खुलकर, यह आपके सामने पूरा आ गया, कॉलेज कोड आ गया। तो कॉलेज कोड आ गया तो आप कॉलेज कोड स्कूल का जानते होंगे कि क्या है, 41471। ठीक है, और यहां जो है अपना नाम रखिएगा, स्टूडेंट नेम जो है जिनका ये चेक हो रहा है वे लोग यहां रख देंगे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद पिताजी का नाम बैठाइएगा, पिताजी का नाम जो है इसमें आप डाल दीजिएगा। पिताजी का नाम डालने के बाद जो मांग रहा है यहां बैठाइएगा, जैसे फैकल्टी पूछ रहा है तो फैकल्टी माने कि आप आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, तो आप साइंस डाल दीजिएगा, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स, आर्ट है तो आर्ट। उसका डेट ऑफ बर्थ की बात आएगी तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा। जैसे इनका जिसका मैं चेक कर रहा हूं उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2008, तो 5 फरवरी की तरफ बढ़ते हैं। यहां फरवरी आ गया और यहां 5 आ गया, यहां आपका आ गया 5 फरवरी 2008। ये जैसे ही आया इसको यहां सेट कर लीजिए 5 फरवरी 2008। फिर आप क्या करो, यहां पे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद देखिए अब डाटा आपके सामने खुलकर आ गया, रोहित कुमार जो भी है, जहां भी आपको है ये डाउनलोड यहां से आप कर सकते हैं। यहां से प्रिंट कर लीजिएगा तो प्रिंट करके पीडीएफ फाइल में आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा, आपको चेक कर लेना होगा कि नाम में या पिताजी का नाम या फिर आप में कहीं जेंडर गलत नहीं ना है, इंडियन, ये सब तो ठीक है, संकाय गलत हो सकता है, अगर मान लीजिए साइंस है, आर्ट हो गया काजन है, तो इसलिए वो सब देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ ये सब आप, ये सब अपना रिलीजियन देख लीजिएगा। यहाँ सब्जेक्ट बहुत जरूरी होगा, हिंदी इंग्लिश जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, और एक्स्ट्रा में आप देख पाएंगे इधर क्या है, बायोलॉजी है। तो अगर आपने विषय में कहीं आपने इसमें त्रुटि देखा तो बस इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, यह आपको स्कूल में भी फ्री में मिल जाएगा, प्रिंट आउट ले लीजिए और अपना आधार कार्ड लेकर और जाइए स्कूल में जाइए, और विद्यालय में जाने के बाद जो है अपने शिक्षक से कहिए कि कहाँ पे त्रुटि है और एक एप्लीकेशन दीजिए, और एप्लीकेशन देने के बाद आपका जो है रिक्वेस्ट सुन लिया जाएगा, और आपका जब अगला फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आएगा तो फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है बिल्कुल ठीक होगा। आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो है काफी उपयोगी हुआ होगा, और इससे आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।